अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दोपहर का आपने मेरा व्लॉग देख लिया होगा, जो मेरी दोपहर की डेयर की रूटीन थी। सो रात के खाने में मैंने दाल चावल बनाए थे और बच्चों को सैंडविचेस बना के दिए थे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे फरमाइश की कि शीर खुरमा खाने का दिल चाह रहा है, सो मैंने जो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो नॉर्मली तो मैं रात को भिगो के जो है ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, बट उन्होंने कहा था अभी खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने अभी ओवन माइक्रोवेव ओवन में उनको सॉफ्ट किया और बादाम के जो छिलके उतार के और खजूर ड्राई जो खजूर होती है वो लेके मैंने जो है इनको हल्का सा सॉटे कर लिया, ब्राउन कर लिया और एक साइड पे रख दिया। उसके बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके बाद उसमें मैंने 4-5 ग्रीन कार्डमम्स लेकर डाल दिए, उनको हल्का सा सॉटे कर लिया। जब वो अच्छे से सॉटे हो गई तो उसमें मैंने सेवैयाँ का पैकेट लेके, हाफ पैकेट लेके उसको अपने हाथों से क्रश करके डायरेक्टली घी वाले पैन में डाल दिया। सो उसके बाद मैंने उसको हल्का सा फ्राई किया, वो ब्राउन हो गई। थोड़ी सी ब्राउन होने के बाद जो है उसमें मैंने जो है दूध का एक पैकेट डाल दिया। अच्छा, ये मेरा चूल्हा मुझे बहुत तंग कर रहा था इस वक्त, सो मैंने आपको करीब से भी करके दिखा दी। और उसके बाद आपने इसके अंदर एक पैकेट डालना, उसको थोड़ा सा पकाने के बाद आपने दूसरा पैकेट जितने आपको ठीक लगता है आपने उसमें डाल देना है। उसके बाद जो है आपने उसको चम्मच चलाना है, बीच में आपने फिर जब थोड़ा सा दूध पक जाएगा तो आपने उसमें चीनी ऐड कर लेनी है, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने अपने टेस्ट के हिसाब से। हमारे यहाँ चीनी ज़्यादा खाई जाती है तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली थी। सो उसके बाद मैंने इसको जो है लो स्टीम पे करके सेवैयाँ दूध और ड्राई फ्रूट्स को जो कच्चापन होता उसको पकने के लिए मैंने रख दिया। तो इन द मीनवाइल मैंने सोचा कि किचन के डिनर के बर्तन गंदे हुए मैं रात के खाने के, तो मैं उनको साथ साथ वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने उनको साथ साथ वॉश भी कर लिया। बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है काम करना, इसलिए मैं साथ साथ अपने काम सारे ख़त्म कर देती हूँ और साथ साथ मैं चेक भी कर रही थी कि मेरी सेवैयाँ जो है पक रही है या नहीं पक रही है। एक्चुअली ये होता है हमारा हैदराबादी शीर कौरमा, ये गर्म गर्म ही खाया जाता है। नॉर्मली जो लोग हैं वो शीर कौरमा ठंडा करके खाते हैं, लेकिन हमारी तरफ जो है वो गर्म 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 ही खाया जाता है फ्रेश। और वो थोड़ा सा ही लिक्विडी टाइप भी होता है। अभी जब ये बन जाएगा तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। तो बीच में मैं चेक भी कर रही थी क्योंकि ये कभी कभी जो है ज़्यादा कम ज़्यादा मीठा हो जाता है। सो ये देखें मेरे शीर कौरमे की फ़ाइनल लुक, मैंने जो है इसको बना लिया था। आप लोग मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा शीर कौरमा आप सबको कैसा लगा और आप सब अपने घर में क्या मीठा पसंद करते हैं वो भी मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।